भाई लोग, गेस द कैप नेट, गेस द कैप नेट, ये रही आपके सामने आज की न्यू कैबिनेट। बहुत जरूरी था आपको दिखाना। पेश है आप लोगों की खिदमत में कूगर का एक और मॉडल जिसका नाम है कूगर डार्क ब्लेडर X5 RGB। कैसी लग रही है कैबिनेट, दिखने में कैसी लग रही है, लुक वाइज कैसी लग रही है, आप लोग बताइएगा। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चीज़ें बता देता हूँ इस कैबिनेट की। USP, सबसे अच्छी बात, फ्रंट में 3 ARGB फैन आते हैं, और टेम्पर्ड नहीं है, एक्रेलिक नहीं है, ये प्लास्टिक है और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है। इसका मतलब ये कैबिनेट उन दोनों लोगों के लिए बेस्ट है, जो RGB चाहते हैं उनको RGB भी मिल लेगा, और जो एक प्रोफेशनल लुक चाहते हैं, उनको थोड़ा कम RGB हो, उनके लिए भी बहुत बेस्ट कैबिनेट है। सेकेंड USP, टॉप पे 360mm का AIO लगा सकते हैं आप, प्लस फ्रंट पे 360mm का AIO लगा सकते हैं आप। थर्ड USP, दो 3.0 के पोर्ट दे रखे हैं इसमें। फोर्थ USP, टाइप सी थंडरबोल्ट का भी पोर्ट इसमें देखिए दे रखा है। इट मींस अगर आपके मदरबोर्ड में थंडरबोल्ट का ऑप्शन है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। फोर्थ इसका USP, भाई साहब एक बार बिल्ड क्वालिटी देखिए आप कैबिनेट की, ये देखिए, और जो केबल्स की क्वालिटी है ये देखिए, जबरदस्त। तो भाई साहब ये कैबिनेट उन्होंने यूज की है, और उससे अच्छी बात फिफ्थ इसकी USP बताएं आपको हम। जहां बात होती है बजट की, तो इस बजट में इसका बजट है अराउंड 6300 लेकर 6600 के बीच में ये कैबिनेट कर आ रही है। अब आप बताओ, इस बजट में ऐसी कोई कैबिनेट नहीं है जिसमें आपको 360mm का AIO लगाने का ऑप्शन मिले, जिसमें आपको दो 3.0 के पोर्ट मिले, जिसमें आपको एक टाइप सी का भी पोर्ट मिले। ये देखिए आप, ये देखिए टाइप सी का पोर्ट मिलेगा कहीं आपको, आप बताओ। आप लोग, मैं शर्त फंसा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस बजट में कौन सी ऐसी कैबिनेट आती है जिसमें आपको टाइप सी का पोर्ट मिले। और देखिए जगह कितनी कैबिनेट के अंदर खाली, ये देखिए आप, देखिए एक मिड ATX मदरबोर्ड लगा है। उसके बाद भी अगर आप चाहो ना, तो देखो जो उसमें ये होल दिए गए, तो ये होल इट मींस इसमें E ATX मदरबोर्ड लगा सकते हैं। और हाँ, इसका एक और सिक्स्थ USP भी है, वो ये है कि देखिए इसमें आप वर्टिकल माउंट भी कर सकते हैं भाई साहब। ये SSD के लिए स्लॉट दे रखे हैं, ये देखिए SMPS का रखा है, और इसके जो बॉक्स की क्वालिटी है, देखिए ये रखा हुआ है बॉक्स, इसका बॉक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है और पैकेजिंग बहुत अच्छी है। पर उसके अलावा जो उसमें थर्माकोल निकलता है उसकी भी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। और ये रहा इसका केबल मैनेजमेंट। अब भैया जिसका बजट थोड़ा टाइट हो, 6,500 तक का बजट हो और उसको लगाना हो एक अच्छी कैबिनेट, तो भाई साहब मैं आपसे बोलूँगा इसके दो कलर आते हैं। एक ब्लैक आता है जिसमें 3 ARGB फैन लग के आते हैं, एक इसका वाइट आता है जिसमें 3 ARGB फैन लग के नहीं आते हैं। अब आप लुक बताओ कैसा लग रहा है, मस्त लग रहा है कैबिनेट का लुक, आप लोग बताओ। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कूगर, और ये देखो ये मेश है यहाँ पे जिससे आपके एयर इंटेक होगा। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ से भी साइड में हल्का सा कटआउट रखा है जहाँ से आपका एयर वेंटिलेशन के लिए लगेगी, मतलब एयर वेंटिलेशन के लिए है जिसमें आपकी एयर इंटेक होगी। तो कैसा लगा कैबिनेट, आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना भाई। बहुत बढ़िया कूगर, ऑल द बेस्ट फॉर योर गुड। क्या बोले यार, क्या बोले हम कूगर वाले, सब लोग यही कहेंगे कि कूगर से पैसा लिया है, लग रहा ज़्यादा भाई ने 1 रुपया नहीं लिया कूगर से। आपके जितने की कैबिनेट आती है ना, उतने की बिल कराई है, टेंशन ना लेना। लेकिन चीज़ अच्छी है इसलिए आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आपके पास असल में क्या होता था, 6,500 के बजट में ऑप्शन कम होते थे, और इन्होंने क्या किया देखो, 6,500 के बजट में कितने ऑप्शन, कितने आपको अच्छी चीज़ें देती एक पार्टिकुलर कैबिनेट के अंदर। कई लोग बोलेंगे भाई ये थोड़ा सा मैट है तो खुल के नहीं आ रहे कलर, तो भाई ये पॉइंट आउट की गई है कैबिनेट दोनों को, प्रोफेशनल लोगों को भी, ताकि आप कोई प्रोफेशनल काम करो तो उसमें आपको आंखों में आपके RGB चुभे ना, और गेमर्स को भी कंसंट्रेट किया गया है ताकि गेमर को RGB चाहिए होती तो RGB के साथ वो कैबिनेट दें, और ARGB फैन है इसके, अपना सुकून से इसको लगा सकते हो। कैसी लगी कैबिनेट कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज़ अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अच्छी लगी तो बताइएगा, तो मैं इसके और पीसेस मंगवाऊंगा, मैं ऑर्डर लूँगा, आप लोग के लिए बिल्ड करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। ठीक, जैसा हो आप अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर बताइएगा। I've been so